सरकार तो चलना ही नहीं चाहती। ऐसा कुछ भी सरकार ने ठोस नहीं किया जिससे इस तरीके के क्राइम दिल्ली में रुके। जब मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री जो है हमेशा अपने किले में रहना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो एनसीडी में भी लड़कियाँ लड़ेंगी अपने हक के लिए। पंजाब में तो कहते हैं मुख्यमंत्री की हर महिला को 1000 रुपये देंगे, पर दिल्ली में तो महिला पेंशन तक बंद है। जो महंगाई है ये गरीब आदमी को जो है सबसे ज्यादा हिट करती है। हर हर महिला हर गरीब का बजट मिला, ये कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी ही तो है कि अगर कांग्रेस का भी कोई नेता कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल और मैं दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद हूं। शाहीन बाग से जहां से जन जागरण पोल अभियान कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई है और ये हर वार्ड में जाएंगे क्योंकि 2022 में एमसीडी का इलेक्शन है और चुनाव है और उसको लेकर जन जागरण पोल अभियान शुरुआत की गई है कांग्रेस की तरफ से। और हमारे साथ यहाँ महिला विंग के अध्यक्ष हैं अमृता राय जी, जिनसे बात करेंगे और महिलाओं के मुद्दे होंगे क्योंकि हर चुनाव में देखा जाता है कि महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं घोषणाएँ की जाती है। एमसीडी में महिलाओं का क्या रोल होगा, पहला सवाल आपके लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो एमसीडी में भी लड़कियाँ लड़ेंगी अपने हक के लिए। और जो महिलाओं के मुद्दे हैं, दिल्ली में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार पूरी तरह से नदारद है। पंजाब में तो कहते हैं मुख्यमंत्री की हर महिला को 1000 रुपये देंगे, पर दिल्ली में तो महिला पेंशन तक बंद है। वहाँ जाकर बोलते हैं कि हम लोग नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, पर दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो समस्या महिलाओं को आने वाली है वो शराब के ठेकों से आने वाली है, क्योंकि दिल्ली के हर कोने में शराब के ठेके खुलेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा जो प्रकोप है वो बहन बेटियों पे ही पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनता है। तो ये सरकार जो है, मैं मानती हूँ कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उससे हमेशा अलग बात करती है। चाहे महिला उत्पीड़न की बात करें, दिल्ली में प्रतिदिन 6 बलात्कार औसतन होते हैं, तो यही तो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो योजनाएं हैं वो योजनाएं सरकार हमेशा महिलाओं के खिलाफ लगभग बात करती है, नीति नहीं बना पाती उस तरीके से, लेकिन सीसीटीवी फुट लगाए गए, कैमरे लगाए गए महिलाओं को सुरक्षा का ध्यान रखकर। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बलात्कार दिल्ली में कम हुए, क्या छेड़खानी की जो घटनाएं हैं वो कम हुई, क्या छीना झपटी कम हुई? क्यों कम नहीं हुई? क्योंकि पॉलिटिकल विल जीरो है। ऐसा कुछ भी सरकार ने ठोस नहीं किया जिससे इस तरीके के क्राइम दिल्ली में रुके, और अगर क्राइम हो गया तो जस्टिस समय पर मिले। कभी 10 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में रेप हो जाता है, कभी 90 साल की औरत के साथ रेप हो जाता है। जब मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है। अरे, पुलिस तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक नैतिक आधार पे स्टेट का हेड होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उन परिवारों तक पहुंचे जिन परिवारों की बच्चियों के साथ बलात्कार या छेड़खानी के मामले आते हैं। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री जो है हमेशा अपने किले में रहना पसंद करते हैं। निर्भया के समय में तो निकले थे केजरीवाल, लेकिन हर रोज जो दिल्ली में आज भी निर्भया हो रही है उसकी आवाज कौन बनेगा? लेकिन सरकार तो कहती है ना कि हम तो काम कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ बाधाएं हैं, उस बाधाओं को अगर दूर कर दिया जाए तो काम होगा। सरकारें जो व्यवस्थाएं हैं वो हमेशा बाधाओं के साथ ही चलती है, लेकिन चलनी चाहिए ना। ये सरकार तो चलना ही नहीं चाहती है। ये सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी ये कार्यक्रम रखते हैं उन कार्यक्रमों में महिला केंद्रित योजनाएं नहीं है। अगर होती तो लाडली योजना दिल्ली में बंद नहीं होती। आज आप वहां कह रहे हैं 1000 रुपये देंगे, यहां पे तो आपने लाडली योजना पूरी तरह से बंद कर दी है। जिस तरीके से आज मेरी इस सब बहनें साथ चल रही हैं, 1000 रुपये सिलेंडर हो गया पार। अच्छा, सुनिए, 1000 रुपये सिलेंडर पार है, टमाटर 100 रुपये पार है, सरसों का तेल 200 रुपये पार है, पेट्रोल डीजल सैकड़ों के पार है। ये जो महंगाई है ये गरीब आदमी को जो है सबसे ज्यादा हिट करती है, मिडिल क्लास को हिट करती है, घर की महिला को हिट करती है, क्योंकि बजट उसके हाथ में होता है। आज हर महिला हर गृहिणी का बजट हिला हुआ है। अच्छा, एक सवाल और है कि एक तरफ तो कांग्रेस के जो विधायक होते हैं महिला को लेके आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अध्यक्ष होते हैं वो हंसते हैं, तो उसपे क्या एक्शन लिया गया महिलाओं को लेकर? कांग्रेस की तरफ से काफी आवाज भी उठाई जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी ही तो है कि अगर कांग्रेस का भी कोई नेता कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन स्पीकर महोदय की भर्त्सना किसने की? जो स्मृति ईरानी पार्लियामेंट में आंसू रो रही थी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी पर, जब यही उन्नाव में होता है, जब कठुआ में होता है, जब देश के उस प्रदेश में यूपी में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, हर रोज
ऐसी ऐसी संगीन घटनाएं सामने आती हैं, तब स्मृति ईरानी तो कभी बोलती ही नहीं है, तब महिलाओं का दर्द उनको दिखता नहीं है। तो कांग्रेस की एक नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस ने निभाई है। मैं खुद महिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने उसको कंडेम किया है, जो लेजिस्लेटर कर्नाटका में जिन्होंने ये बात बोली है, क्योंकि इस तरीके की संकीर्ण जो सोच है हमें उसी को खत्म करना है। और ये एक दिन की सोच नहीं है, आप ये मत सोचिए कि उस एमएलए ने जो कह दिया वो एक दिन की सोच है। ये जो ओवर द ईयर्स पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को सिखाया जाता है कि महिलाएं जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका नतीजा है कि जब इस तरीके की स्टेटमेंट आपके सामने आती है तो दुख भी होता है, शर्म भी आती है और निंदा करने के लायक होता है। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ महिला विंग के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, और जन जागरण अभियान यहाँ से चल रहा है, शाहीन बाग से इनकी शुरुआत हुई है पोल खोल अभियान। तो देखिए ये लोग एमसीडी के चुनाव में और एमसीडी के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी हुई है ताकि एमसीडी में फिर से सरकार बनाई जा सके, क्योंकि दिल्ली से तो बेदखल कर दिया गया, दिल्ली में तो सरकार आम आदमी पार्टी की चल रही है, लेकिन कांग्रेस कोशिश करेगी कि यहाँ से हम अपनी भूमि मजबूत करें, अपनी जमीन मजबूत करें। तो देखते हैं क्या होता है, वो फ्यूचर में डिसाइड होगा।